एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम रोशनी मंत्रा चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी माय समर स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी स्किन को ज़्यादा प्रोडक्ट सूट नहीं करती है और स्पेशली समर में मुझे ज़्यादा स्किन केयर करनी पड़ती है। अगर मैं मेरी स्किन पे कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट लगा लूँ या फिर मेरी स्किन केयर रूटीन को स्किप कर लूँ तो मेरी स्किन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरी स्किन बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है, उस पर जल्दी एक्ने और ब्रेकआउट और पिंपल हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और मेरी स्किन टाइप कुछ इस तरह की है कि अगर एक भी एक्ने हो गया तो वो मार्क छोड़कर ही जाता है, इसलिए यार बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है तो आप भी अपनी स्किन केयर रेगुलर करें, अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखें। और इसीलिए मुझे मेरी स्किन के लिए बहुत चुन चुन के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं और मैं नए नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करती रहती हूँ ताकि मैं मेरी स्किन को बहुत खुश कर पाऊँ। अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये वीडियो आप ही के लिए तो है। और अगर आप टीनेजर है और आपको अपनी स्किन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो स्किन केयर में हम सबसे पहले करेंगे फेस क्लीनअप। तो इसके लिए मैं आयुर्का क्लींजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ इतना सा अमाउंट लेना है हमें अपने हाथों में और उसे अपने फेस पे कुछ इस तरीके से लगा लेना है और फिर उसे जेंटली जैसे मसाज करते हैं उसी तरह से मसाज करना है। ये आपके फेस पे जमा हुआ डर्ट, ऑयल या फिर कुछ मेकअप हो गया, काजल हो गया, वो सब रिमूव कर देता है और अच्छे से आपका फेस क्लीन हो जाता है। इससे आपको एक मिनट तक मसाज करते रहना है और फिर थोड़ा सा कॉटन लेके इसे वाइप कर लेना है, कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। और आप देख सकते हैं कि सारी गंदगी कॉटन पर आ चुकी है। अब हम फेस वॉश करेंगे। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक बायोटिक का फेस वॉश है और एक है गुड वाइब्स का। दोनों ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स ले रही हूँ। इसका थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे और फिर हमारा फेस गीला कर लेंगे और फिर इसे भी जेंटली मसाज करेंगे और हमें इसे भी एक मिनट तक मसाज करते रहना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे पानी कम होने की वजह से झाग ज़्यादा बन नहीं रही है, लेकिन अगर हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा झाग बनती है। अब इसे हम वाटर से क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है और मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। अब बारी आती है टोनर की। फ्रेंड्स, इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं, गुड वाइब्स का और बायोटिक का। गुड वाइब्स का है जो पंप के साथ आता है और बायोटिक का है उसमें पंप नहीं आता। गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। कुछ इस तरीके से थोड़े से पंप हमें हमारे फेस पे लगा लेने हैं और फिर उसे सूखने के लिए वेट करना है। अब बारी आती है सीरम की। ये भी गुड वाइब्स की ही सीरम है। 3 से 4 ड्रॉप से हम हमारे फेस पे मसाज कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसे अपनी स्किन में ऑब्जर्व होने दें। मॉइस्चराइजर में मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पतंजलि का है। क्योंकि मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेना पसंद करती हूँ इसलिए मैं एलोवेरा जेल को ही पसंद करती हूँ। छोटा सा अमाउंट लेके हमें लगा लेना है, इससे आपकी स्किन को मॉइस्चर भी मिलेगा और ऑयली भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। अब बारी आती है सनस्क्रीन की, लेकिन इसका आगे का स्टिकर निकल चुका है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे निविया का सनस्क्रीन है, इसे भी हम थोड़े से अमाउंट में लेकर अपने फेस पे लगा लेंगे। ये सनस्क्रीन थोड़ा सा टिंट छोड़ के जाता है, वाइट टिंट छोड़ के जाता है। अब बारी आती है लिप बाम की। तो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली मुझे लिप बाम में पेट्रोलियम जेल ही पसंद है,
लिप बाम का काम पेट्रोलियम जेली से अच्छा कोई भी लिप बाम नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिश करती है और आपके लिप्स बहुत ही पिंक हो जाते हैं, बहुत ही लाइट हो जाते हैं। अगर आपके लिप्स ब्लैक हो गए हो तो आप ज़रूर एक बार पेट्रोलियम जेली ट्राई करें, और अगर आपको पेट्रोलियम जेली नहीं पसंद है तो आप निविया का लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा स्किन केयर रूटीन ख़त्म होता है। तो आप भी इस समर में अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखें और अपनी स्किन को खुश रखें। चलिए बस इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।